वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बहुत छोटे हैं, एक एक दो दो नंबर में आ जाते हैं, तो जरूरी है हमें आने चाहिए क्योंकि इतनी सारी थ्योरी पढ़ी है भाई डिटेल्ड में, तो ये भी हमें अच्छे से आने चाहिए। गिव द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, तो कह रहा है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आपको याद होगा अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेजरिंग दैम इन मनी टर्म्स, किसमें बेटा मनी टर्म्स में, रिकॉर्डिंग दैम इन प्राइमरी बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग दैम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स। समझ आई बात बेटा? तो स्टार्टिंग में पढ़ी थी डेफिनेशन। लिस्ट एनी टू फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। टू फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड रिकॉर्डिंग दैम इन टू बुक्स ऑफ अकाउंट। रिकॉर्ड करना, पहले आइडेंटिफाई कर लो, फिर क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो। नेम द ब्रांच ऑफ कॉमर्स विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन ए सेट ऑफ बुक्स। क्या कहेंगे उसे? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के अंदर ही तो सारी चीजें लिखी जाती हैं, ठीक है बेटा। जब हम स्टार्ट करते हैं, डिफाइंस बुक कीपिंग। ओहो, बुक कीपिंग पूछ रहा है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ द कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी मुद्रा में उन चीजों को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। What is the function of bookkeeping? The function of bookkeeping is to identify. फिर आगे देखो, identify तो करते ही रहो। Identify financial transaction and events, measuring them in terms of money, recording them in the books of accounts and classifying the recording transaction. Classify करना है फिर। Next point क्या हमारे पास? Name any two objectives of accounting. दो object बता दो भाई। Ascertaining profit or loss. प्रॉफिट और लॉस पता करना है हमारा। एसर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन लास्ट में जो अंत में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको पता करना है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग? एडवांटेजेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन इज नोन एज, एंड असिस्ट मैनेजमेंट इन मेकिंग बिजनेस प्लान। जो बिजनेस प्लान मैनेजमेंट ने आगे बनाने और डिसीजन लेने, टेक डिसीजन एंड कंट्रोल एंड एक्सरसाइज कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग? द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर क्या है बेटा? नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आर नॉट रिकॉर्डेड, ऑब्वियस है, नॉन फाइनेंशियल होगी, नहीं लिखी जाएगी। मेरी ट्रक का एक्सीडेंट हो गया जिसमें माल जा रहा था, नहीं आएगी। माल का हुआ, एक्सीडेंट ट्रक का हुआ, वैल्यू थोड़ी बताई कि 50,000 का माल खराब हो गया, वो आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। क्या चेंज करते मानने, इग्नोर करते हैं बेटा प्राइस लेवल चेंजेस को, करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्या बेटा, एनी नेम एनी टू एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सॉरी, वन पूछ रहा है, नेम एनी वन एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो लिख दो यार, क्रिएटर्स हो गया, एम्प्लॉयज लिख दो, ठीक है। नेम द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हुम द फर्म परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। जिससे माल हम क्या करते हैं, उधार खरीदते हैं, तो क्या है वो? सप्लायर है ना, माल लेके जाता है ना, जिससे माल हम उधार करें। नेम द एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हुम द फर्म परचेज गुड्स। जिससे क्या करते हैं, माल खरीदती है फर्म, तो क्या आएगा बेटा वो? ऑब्वियस है, सप्लायर ऑफ गुड, जो हमें माल प्रोवाइड करता है। क्या कहेंगे उसे? सप्लायर ऑफ गुड। नेक्स्ट, इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड और टू एसर्टेन नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। क्या करना है बेटा? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सिस्टमेटिक को मत भूल, सिस्टमली। नेक्स्ट क्या है? नेम द एक्सटर्नल यूजर्स डायरेक्टली कंसर्न विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक्सटर्नल यूजर्स पूछ रहा है, तो क्या हो गए? क्रेडिटर्स और बैंक्स, बैंक्स एंड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमें लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट। यस सर।